वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, आज मैं कई दिनों बाद आप लोग के सामने आई हूँ क्योंकि अभी तक क्लीनिंग में लगी हुई थी। डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी था कोरोना टाइम में, इतना अच्छे से तो मुझसे हुआ नहीं क्योंकि सारे ही काम खुद करने होते थे, इसलिए जितना हो पाता था उतना ही करती थी मैं। और डीप क्लीनिंग इतना टाइम नहीं मिलता था यार, थोड़ा तो अपने को रेस्ट भी चाहिए ना। तो अभी क्या हुआ, इस बार ही बहुत अच्छे से पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई है और एकदम अब बढ़िया लग रहा है, साफ़ सुथरा। अभी कर्टन्स ड्राई क्लीन को गए थे, आ गए हैं, अभी मैंने टांगा नहीं है। तो इस बार सोच रही हूँ कि ड्राइंग रूम में कर्टन्स नहीं टांगूँ, एटलीस्ट ना ठंडियों भर में ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेन ज़रूरत गर्मी में पड़ती है। और मेरे जितने कर्टन्स हैं वो बहुत हैवी हैं, मुझे हल्के वाले लेने हैं। हुआ क्या, बहुत सी चीज़ें लेनी हैं, कई चीज़ें चेंज करनी हैं, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और दौड़ा भागी में आनन फानन में कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए अब चीज़ें पेंडिंग हुई हैं, वो फिर से पेंडिंग हो गई हैं। चलिए, जब चीज़ें चेंज होंगी तो आप लोगों के साथ शेयर तो करना ही है, करूँगी ही। मुझे काफ़ी चीज़ें, अब क्या बताऊँ, जब चेंज करूँगी तभी बताऊँगी। तो मैंने इस बीच बहुत सारे DIYs करने की सोच रखी है और त्यौहार बस एकदम सर पे आ गया है, तो जितनी चीज़ें मुझसे अभी बनाती जाऊंगी, वो डेकोरेट करती जाऊंगी, वो चीज़ें मैं आपको डे बाय डे क्लिप्स ऐड करती जाऊँ। मैं कोई ट्यूटोरियल शूट नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि बहुत सारा काम अभी भी है त्यौहार का, तो सारी चीज़ें मैं तैयार होकर या थोड़ी थोड़ी क्लिप्स अगर मैंने ली तो वो मैं ऐड करूँगी। तो चलिए, पहला DIY मैं ये बना रही हूँ। ये सूप है, ये किधर बोलूँ, असम साइड में या बंगाल में इस टाइप के सूप यूज़ होते हैं, जो हमारे यहाँ सिंपल सूप होते हैं ना, हमारे यहाँ अलग टाइप के यूज़ होते हैं। और ये बाम्बू बास्केट के बने हुए हैं, बाम्बूज के। तो ये, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इतना पुराना है, इतना पुराना है कि मैं क्या बताऊँ, ये मेरी शादी के पहले का है। मम्मी ले आई थी एक बारी, उधर गई थी ट्रैवल करने तो लेके आई थी, तब से ये रखा है DIY के लिए और आज तक नहीं बना इतने सालों में। और ये मेरे साथ साथ टहल रहा है, मैं इसको ले आई थी मम्मी के यहाँ से बहुत पहले ही। तो अभी सोच रही हूँ कि इस बार इसका कुछ कर ही देते हैं। तो चलिए, मेरे पास कुछ पेंट वगैरह रखे हैं तो मैं वही यूज़ करूँगी, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने नहीं खरीदी हैं। तो ये मेरी वॉल्स का पेंट था जो बचा हुआ था, थोड़ा बहुत एशियन पेंट का, तो ये मेरे पास बचे हुए रखे हैं, ये भी 2-3 साल से पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे फेंक देना या किसी को दे देना, उससे अच्छा इसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने कलर कर लिया है 2 कलर में। तो ये है जो सामने रहेगा, गोल्डन है थोड़ा, और ये मेरे पास पेंट था तो मैंने इसका बैकग्राउंड भी कर दिया ब्लू कलर में। चलिए, अभी मैंने ये मिट्टी के पॉट लिए हुए थे इस तरह के, तो इनसे भी कुछ DIY बना रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। इसमें भी मैं इसी पेंट का कोट कर दे रही हूँ, आप देखें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सुबह से यहाँ बैठे बैठे शाम हो गई, अभी बज रहे हैं 8, रात के 8 बज गए। अब जा रही हूँ मैं किचन में, लगूंगी थोड़ी देर, कुछ खाना वाना बनाऊंगी। और आज सुबह से मेरे 12 बजे हुए, मैं इसी जगह पर स्थापित हूँ। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था सूप, है ना, ये सूख भी बहुत अच्छे से गया है। और इस पर जो मैंने सोचा है चीज़ बना कर देखूँगी कैसा लगता है, क्योंकि अभी ना मेरा कॉन्फिडेंस डामाडोल हो गया है। क्यों, बताती हूँ आपको। तो अभी अभी जस्ट मेरे पास ही पुराना कैनवास था तो इसमें मैं रंगोली ड्रॉ कर रही थी। ये देखिए, पता नहीं बहुत क्लियर आपको दिखेगी कि नहीं, तो
मैं इसको तैयार करके तभी आपको दिखाऊंगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस क्यों डाउन हो गया मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ दिए मंगाए थे तो ये मुझे डेकोरेशन में यूज़ करने थे इसलिए। और ये जो है मेरा ये रेड वाला, ये 2-3 साल पुराना है तो इस पर मैंने पहले गोल्डन कलर किया हुआ था और अभी इसका कलर बिल्कुल डिसकलर हो चुका था तो इस बार मैं इस पर रेड कलर कर रही हूँ। और ये वाले छोटे वाले पॉट्स अभी बाकी रह गए हैं। और ये देखिए बाहर मेन डोर पे लगा हुआ था वो भी लेके आई हूँ। और एक ये लैंटर्न था, ये सारा गोल्डन कलर में करके मैंने पिछले साल लगाया था, पिछले क्या उसके भी पहले साल। और ये एकदम अभी जो है सारे डिसकलर हो रहे हैं। और दिखाऊं मैं आप लोगों को मेरा मूड क्यों ऑफ है, मेरा पूरा घर इस समय फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जिस कलर से मैंने सूप को कलर किया था ना, आप समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, उसी कलर से मैंने सोचा कि इस पे ना पेंट करने के लिए ये कलर बहुत अच्छा है और इसको बेस बहुत अच्छा मिल जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ है आप देख सकते हैं, ये मैं करती जा रही थी और ये बहुत अच्छा स्मूथली ब्रश चल रहा था, इतना फटाफट हो रहा था मुझे लगा कि हो जाएगा। और जब ये सूखना शुरू हुआ ना तो आप देख रहे हैं इसकी पूरी ये पपड़ी सी निकल रही है और ये मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। ये मैं 2 पॉट ये वाले कर चुकी थी और इसकी दियाली वगैरह सारी कर चुकी थी। और यहाँ पे ये 4 बड़े वाले दिए थे, इनको भी कर लिया था मैंने और इन्हें कर ही रही थी तभी मैंने इसका ये हाल देखा और मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने सोचा अब मैं करूँ क्या, जो सोच के मैंने किया था वो पर्पस तो नहीं सॉल्व हुआ। और दूसरी चीज़ ये हुई कि अब इसको बिना पूरा क्लियर किए, बिना पूरा साफ़ किए अब इस पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सारा कुछ फैला हुआ है, सुबह से मैं बैठी हुई हूँ तो ये वाला हाल हुआ है मेरा, फजीता हो गया है और नींद भी आ रही है बहुत तेज़ और भूख भी लग रही है। तो अभी तो मैं कुछ बना लेती हूँ क्योंकि मिस्टर हस्बैंड भी आएंगे, वो भी सुबह से निकले हुए हैं तो ये सब काम तो टाइम पास वाले होते हैं। बट मैं मेरा सारा कुछ ना अस्त व्यस्त हो गया, क्यों, क्योंकि सफाई में डीप क्लीनिंग में मेरा बहुत टाइम चला गया, जो चीज़ें मैंने सोची थी फिर सामान मेरा प्रॉपर सारा कुछ नहीं मिल पा रहा था इसलिए भी। तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी भी, पूरा घर मेरा इस समय फैला हुआ है, जहाँ तहाँ मैंने अपने सारे DIY के सामान कुछ यहाँ कुछ वहाँ उस कमरे में हर जगह फैला के रखा हुआ है। और ये वाले फ्लावर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं या ये क्या मतलब फल होते हैं, क्या होते हैं आई डोंट नो, लेकिन ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं तो इनको भी ये पूरा बास्केट भर के है हमारे पास। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो आपके साथ करने की बहुत सारी रहती हैं बट अभी मैं आपको डिनर प्लेट दिखा रही हूँ। मेरा डिनर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे अगर पहली बार हैं तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैप्पी दिवाली, दिवाली आने वाली है तो सबकी शुभ मंगल हो।